दस्तावेज़ के इस नवे अंक विच तुहाडा स्वागत। मैं तुहाडा दोस्त जगजीत गिल। अज दस्तावेज़ विच असी तुहाडी मुलाकात करवावांगे बलदेव सिंह सड़कनामा दे नाल। बलदेव सिंह सड़कनामा दे बारे जे असी कुछ दसांगे तां उह कुछ ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि तुसीं सारे उन्हां दे बारे चंगी तरह जाणदे हो। परंतु अज असी बलदेव सिंह दे एक वक्रे पक्ष नूं लैके तुहाडे सामने होए हां। तो वह वक्रा पक्ष की है ये तुसीं शुरू तो लैके अंत तक इस वीडियो नूं वेखियो, तो फिर तुसीं जाणोगे कि बलदेव सिंह एक साहित्यक हस्ती ही नहीं, होर भी बहुत कुछ ने उन्हां दे दोस्तां दी नज़र विच ते विद्वानां दी नज़र विच। सोच के हैरान होना भी यह जी कड़ी अचवी सी मेरे विच जिहड़ी मैनू लिखण वल पुस्तकां वल खिंचदी रही। जदों अपने जन्म, अपने बचपन, अपने पालण पोषण दे समें च उतरदा तां इह हैरानी होर भी मेरी वध जांदी है। ना मेरे घर विच कोई इह जिहा माहौल सी, ना मेरे आंढ गुआंढ विच कोई इह जिहा माहौल सी, ते दोस्तो ना ही स्कूल विच मैनू अजिहा माहौल मिलिया जिहड़ा मैनू किताबां वल साहित वल लै आया। बहुत बाद विच जाके मैनू ज्ञान होया परिस्थितियां किसी भी मनुख की शख्सियत नू बदलने विच बहुत वड्डा योगदान पाउंदियां ने। पर मेरे घर च तां अखबार भी नहीं सी आउंदा, पुस्तकां तां बहुत दूर दी गल है। ते उस तों बाद फिर जिंदगी दे थपेड़े सहिंदिआं संघर्ष करदे आ एक ज्ञान होर होया भी एक अखरी ज्ञान हुंदा ते एक अनुभव ज्ञान हुंदा। अखरी ज्ञान नाल साडा जीवन चलदा ते अनुभवी ज्ञान नाल साडा जीवन बदलदा। ते सचमुच ही अजिहे अनुभवां ने मेरे जीवन बदल दिता। किरती परिवार विच बहुत ही सधारण घर विच पैदा होया, पिंड दे स्कूल चों प्राइमरी अठवीं दसवीं कीती, पर इहदे नाल नाल घर दीआं सारीआं जिम्मेवारियां जिन्नीआं सी खेती दीआं, घर विच पशु सांभणे, पट्ठे लिआउणे, पाणी लाउणा, पट्ठे कुतरने, इह सारा कुछ मेरे नाल नाल तुरदा रिहा दसवीं तक। और घर दी आर्थिकता नूं ठुमणा देण लई लाउड स्पीकर भी लै लिआ बापू जी ने। उस नूं लोकां दे विआहां ते मंगणिआं ते भोगां ते वजाउणां दी जिम्मेवारी मेरे होर गल पई, जिवें किवें दसवीं पास कर ली। ते दोस्तो मेरे अध्यापक शुभचिंतक सी दसवीं दे, उहनां विचों घरे आया, बापू जी नूं कहिंदे वी तूं अपने मुंडे नूं भाई कॉलेज ना लाई, इहदे च दिमाग है नहीं, इह नहीं चलणा, इहनूं किसे कम कुम च ला ला आपदे च। पर शायद माँ बाप अनपढ़ सन, उन्हां दे सुपने सी मेरे बारे वी वध तों वध पढ़ाउणा है, कॉलेज तां ला दित्ता बिना किसे सुपने तों, सिर्फ पढ़ना है। ना मैनूं पता सी की बनना है, ना माँ बाप नूं पता सी की बनाउणा, बस पढ़ना है। ते बारहवीं कर ली, बी ए कर ली, जिथे किते नौकरी निकलदी सी वी जिथे किते पता लगदा सी मैनू भेजना, फौज च नौकरी निकली है जा, एयरफोर्स नौकरी निकली है जा, मैं जांदा रहा, इम्तिहान दिंदा रहा, वो ग्रुप डिस्कशन हुंदी उह भी करदा रहा। पर कित्थे बंगाल तो आए लड़के, कित्थे केरला तो आए लड़के, कित्थे तमिलनाडु वर्गे थावां तो आए लड़के, ते एक मैं पिंड दे स्कूल विचों दसवीं पास करन वाला उहनां दे मुकाबले ना बहस कर सकता, ना उस तरह के पेपर दे सकता, मुड़े आउंदा फिर की करे, बी ए तां कर ली, कित्थे जावां, आखिर बी एड सहारा हुंदी सी मेरे वर्गियां दी। तो दोस्तों मैं बी एड कर ली, पर इहदे नाल नाल घर दे उह सारीआं जिम्मेवारियां दे कम जिहड़े सी उह वी चलदे रहे। लोकां दे बनेरियां ते टेढे मंजे खड़ के स्पीकर भी वजाउंदा रहा, नाल नाल मास्टर भी बन गया, तीन साल नौकरी भी कर ली हिमाचल ते विच, बाद च गया पहला इधर मुक्तसर दे इलाके विच मास्टर लगे रहा तीन साल,
वो तो हिमाचल चला गया, पर शायद जिस तरह का जीवन मैं हंडाया सी दोस्तों कुर्सी ते बैठण वाला नहीं सी। मैं कलकत्ते आ गया, ड्राइवर भाईचारे विच उन्हां वर्गा बन लई मैं अपने बी ए बिठाउण नूं ते अध्यापक बनने छुपाया। बड़ा कुछ सुनन नूं मिलिया, कितों ना कितों उन्हां नूं इह वी सोह लग गई वी शायद ये मास्टर सी, किसी ने कहा स्कूल जिन्हें पंगा लिया हो, एक उस्ताद ड्राइवर ने समझाया जे हुण आई गए हैं तां इत्थों कुछ बन के जाई, ये तैनूं जो आखी जाण कन्नां च कौड़ा तेल पा ले, अगों कोई जवाब नहीं देना, बहस नहीं करनी। इत्थे बड़ा कुछ अजिहा हुंदा है, इत्थे 100 बंदा फिट नहीं हुंदा, इन्हां च इन्हां वर्गा ही बन के रहेगा तां कुछ सीख लेगा। हुण इक गल होर मेरी याद रखी, पिछे मुड़ के ना देखी, उस सियाने उस्ताद दियां गल्लां पल्ले बन लईआं उदों अजे तक भी मेरे पल्ले बन्निया हो जाए। तो फिर मैं सारा कुछ भुल भुला के ट्रकां दे टायर धोते, तरपालां दे रस्से कस्से, खलासी पूरा किया, इतों तक कि जिहड़े उस्ताद ड्राइवर सी उन्होंने कपड़े भी धोते जी टी रोड के ढाबिया से। किवें ना किवें ड्राइवरी सीखी, पिंडां च रहण वाला मुंडा जिन्हों अपने नेड़े दे शहर दियां गलियां दा नहीं पता, साथी ओह कलकत्ते दियां गलियां विच टैक्सी चलाउंदा रिहा 2.5 साल। फिर एक ड्राइवर मिलिया, कहिंदा कित्थे आ गया तूं, टैक्सी टुक्सी तेरा कुछ नहीं बनना हैगा, ट्रकां वाला जे कोई कमाई करनी है ते आया तां मैं कमाई करनी सी। इत्थे साडी पिंड दा एक ट्रांसपोर्टर सी, उहदे नाल पहला एक ट्रक च हिस्सा पाया ते फिर समा पा के मैं अपना ट्रक बनाया। कदे कदे जदों भी किसी ढाबे ते बैठे होना मैनू पर्बत वह कूलां वह नदियां वादियां याद आउणियां, हालांकि मैं उन्हां पर्बतां चों आया सी पर इत्थे महानगर विच पत्थरां दे शहर विच इन्ना हुमस हुंदा सी, इन्नी गर्मी हुंदी सी, सड़कां पीलियां हुंदियां सी, अजीब लगना, पर उस उस्ताद ड्राइवर दी नसीहत मेरे सदा पल्ले रही, पिछे मुड़ के ना देखी। जे तुसी इमानदार हो, दसा नौहां दी किरत करदे हो तां इसदा फल जरूर मिलदा है। मैं एक ट्रक तों दो ट्रक बनाए, हौली हौली समें नाल इस ट्रांसपोर्ट दे धंदे च मैं तरक्की करदा गया। कई घटनावां अजिहियां हुंदियां ने ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬੰਗਲਾ ਦੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਰਸੀ ਆਉਣੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਇੱਕ ਸੱਜਰੀ ਪੈਡ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਐਡਰੈੱਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਐਡਰੈੱਸ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ ਐਡਰੈੱਸ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹ, ਔਰ ਉਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਚੱਕਰ। ਗਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, 6-7 ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਛਪਦਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸ਼ੌਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਹੈ।
मैं पढ़ता है मैगजीन में सारे किताबा पढ़ना चाह है। तो इदा करें ऐतवार को साढ़े इतने मीटिंग है साहित सभा कलकत्ता की, उत्थे आई। मैं कहा जी मैं उत्थे नहीं नहीं तू उत्थे आई। मैं कहा जी मैं ऐतवार को वेला होया तो जरूर आऊँगा। कहते ठीक। मैं सबब नाल वेला सी गया उत्थे, कोई 10 हो गए जिन्हों मैं उदों तो नहीं सी जानता, लेकिन बाद चो सारे मेरे मित्र बने। तो मैं पहली कहानी साथियों लिखी उदों, ना रख्या गिलियां चिट्ठियां दी अग। भी वह कहानी पहला जलंधर गई, जलंधर पता लग्या भी वह राह च कितें गुम हो गई, दोबारा उन्होंने लिखना पिया, दोबारा लिख के दिल्ली नागमणी च गई ते नागमणी च छपी। ये कोई शायद मेरा ख्याल है भी वो मेरे वास्ते को बहुत वड्डी गल सी, एक जड़ा ना है जिन्हों जानदा कोई नहीं भी उन्होंने कहानी नागमणी में छपनी और उस मैगजीन में छपनी जिदे छपना साढ़े लेखक गौरव समझते सी। मैं पहली कहानी पहली लिखी नागमणी में छपनी। बेशक मेरे ड्राइवर भाईचारे कहते भी एडा कड़ी गल हो गई भी तू इन्ना खुश है पर मैं और सब जाणो भी वो खुशी जी मैं अपने नवे ट्रक लैण की खुशी नालों भी वध खुशी सी। मैं तो कमाल हो गई नागमणी में कहानी छप गई। तो इतों मेरी जिंदगी एक होर मोड़ कटती है साथियों। अमृता प्रीतम मैं कदे मिलया नहीं सी, जानता भी नहीं सी। इन्ना जरूर पता सी कि वो पंजाबी की बहुत प्रसिद्ध लेखक है तो दिल्ली तो नागमणी मैगजीन कढ़ती है। तो फिर मैं अपने किते नाल संबंधित ड्राइवरां दे संकट, ड्राइवरां दीआं दुशवारियां, साडियां दुर्घटनावां, सड़कां दी गल, एक कहानी वर्गा एक लेख मैं भेजा नागमणी। वैसे ही कुछ दिनों बाद उहदा खत आया कि मैनू तेरा लेख चंगा लग्या, मैं उहनूं छापूं। ये मेरे लिए होर एक प्राप्ति सी। उहदे चों लेख छपिया और मैं उत्साह आके एक होर लेख उस तरह का ही ड्राइवर बारे सड़कों बारे भेजा। फिर वह खाता आया अमृता जी, कहती मैं नहीं पता तू कौन है और मैं ये भी नहीं पता तेरा सड़कों बारे या ड्राइवर बारे अनुभव किन्ना क है, पर जे तू ये तो लिख सकता लगातार तो मैं नागमणी हर महीने ये तो कालम छापूंगी और नागमणी का मंच तू तो ना कोई भी रख ली। तो उन्होंने दिनों जिन्हें मैं ना जानता सी जिंदगीनामा खबरनामा हदायतनामा, मैं क्या भी सड़कों की गल है, गड्डिया की गल है, ड्राइवर की गल है, क्यों नहीं तो ना सड़कनामा रख लीए। उदों की पता सी दोस्तों आने वाले समय ने सड़कनामा ने तुहाडी पछाण बनना है। नीहां नूं कुछ नहीं पता हुंदा उन्हां ते की उसरना है। सड़कनामा लगातार हर महीने नागमणी छपन लगा। इत्थों तक कि जे मैं कुताही कर जानी जां मैनूं वेल ना मिलना जां मैं ट्रक लेके कितें गया होना उड़ीसा गुवाहाटी असाम वल, तां उहदा खत आया पिया होना बलदेव मैं नागमणी नागमणी रोकी हुई है, मेरा सड़कनामा नहीं मिलिया। जां उसने कहना भी ये बहुत चंगा है, इहनूं मैं किसी स्पैशल अंकल सामभ लिया, जल्दी मैनूं होर भेज। सड़कनामा पाठकों में इन्ना पापूलर होया, नाल नाल कहानियां भी चलदियां रहियां, नाल नाल नावल भी हाथ जमाया उहदे उत्ते। कलकत्ते उत्थे नैशनल लाइब्रेरी सी, उसका मैंबर बनिया। तो जिन्ना अनुवाद साहित सी रशियन अमेरिकन वो सारा पढ़िया, नागमणी कहानी भी छपती, कदे सड़कनामा तो हर महीने छपता ही सी। पुछदे सी पंजाब तो कहानी पढ़ी है बलदेव की, वो कहिंदे किहड़ा बलदेव, मैं सड़कनामे वाला। सड़कनामा मेरे नाम नाल जी जुड़ गया सी। ते एक मेरी तरह यानी मैं कह सकदा भी एक तरह नाल मेरी वो पछाण ही बन गया सी।
दोस्त लेखकों अपने पाठकों समझो भी मेरी पछाण इन्नी गूढ़ी की सड़कनामा ने, पर मैं ये भी डर सी कि सड़कनामा कलम अजिहा है कि शायद मेरिया दूसरिया रचनावां दबा लूगा, क्योंकि मैं कहानियां भी लिखता सी। मेरा छोटा जिहा नावलेट दूसरा हिरोशिमा उदों दृष्टि विच छपिया सी, जिहड़ा जलंधर तो बरजिंदर हमदर्द कढ़दे हुंदे सी। मेरी गिल्लियां चिड़ियां की पहली किताब, मैनू इस गल का माण है, गुरशरण भाजी ने छापी बलराज सानी यादगारी पब्लीकेशन वालों। जदों वह कलकत्ते आए नाटक खेडन एक बार भाजी, तो उस तो बाद औलख भी आए एक बार, जमेर सिंह औलख जड़े, तो उन्होंने नाटक देख के, तो जो मैं बंगाल के नाटक देखता सीगा उत्पल दत्त दे ते बादल सरकार दे, मैनू लग्या भी इन्हां दे विच एक सांझ है। बेशक भाषा की सांझ नहीं सी, पर तकनीक की विधि की, जिस जिस तकनीक नाल असी इत्थे उत्पल दत्त दे खेडे नाटक देखते स, गुरशरण भाजी भी उस तरह ही बिल्कुल मंच साफ सीधा, कोई लाइट इफेक्ट नहीं, कोई मगर संगीत नहीं, कोई वड्डा भारा सैट नहीं। तो मैनू ये लग्या भी ये तो बहुत लोगों के नेड़े होने की गल है, कि साढ़े को भी कुछ अजिहे सी ड्राइवर वर्कशापां च कम करने वाले पंजाबी, जां कोई होटलों वाला, जां मेरे साथी, असी एक टीम बनाई, असी भी नाटक खेडीए, तो असी उत्थे रंगमंच कलकत्ता दे नाते पंजाबी विच नाटक खेडने शुरू किए। कलकत्ते विच एक नवी गल सी, क्योंकि समाजिक नाटक जां कोई मकसद नूं लैके लिखे गए नाटक खेडण दा उत्थे रवाज ही नहीं सी। फिर असी नाटक खेडिया जदों पंजाब दी आवाज़ बाज भरावा सकिया, मेरे अपने नाटक लिखे सी, फिर उन्हां विच कुछ पतवंते असी बड़ियां मिन्नतां तरले कढ़ के उन्हां नूं कह दे वी साडे नाटक दे, ते सब तों वध परमजीत शूद्रक उत्थे इक साडा मित्र सी जिहड़ा उत्थे रहिंदा हुंदा सी, और नक्सलाइट मूवमेंट नाल उहदी कोई नेड़ता सी। उसने जदों मेरे नावल पहले दो देखे, दूसरा हिरोशिमा ते कलर धरती, ते उसने एक दिन मैनूं कहा, बलदेव गल ऐ होणी पढ़नी, तू मार्क्स पढ़िया? नहीं, मैं नहीं। तू मार्क्स पढ़, तू द्वंद्वात्मक पदार्थवाद पढ़िया? मैं कहा नहीं, मैं तो नाम पहली बार सुनया। कहिंदे तू पढ़। उन्हें किताबां लिया लैके मैनूं पढ़ाया, उन्हें दस्या भी किस तरह शोषित वर्ग हुंदा है, किस तरह शोषण करन वाला वर्ग हुंदा है। उसने मेरी दृष्टि नूं इस पड़ा ते आके एक वक्खरा मोड़ दिता, जिस तों बाद मैं उत्थे नावल लिखिया कच्चियां कंधां, जिहदे चों बंगाल दी नक्सलाइट मूवमेंट दा भी जिक्र है, और साढ़े लोगों नाल जिहड़े उत्ते अपनी जिंदगी नूं जिउण लई, चंगा जिउण लई उत्थे अपने पंजाब चों निकल के उत्थे दूसरे ब्रांच गए सी, और उन्हां नाल की वापरदा है, जिहड़े उत्थे स्थापित लोग ने और जिहड़े जिन्हां कोले उत्थे पहुँच है, वह उस तरह किस तरह व्यवहार करते हैं उन्हां लोकां लई, एक वड्डी जिहड़ी गल सीगी जिहड़ी मैं उहदे दसण ते मेरे समझ आई, ते मैं वह सारी समझ नूं लै के नाटक लिखा सी कच्चियां कल्लां। बलदेव सिंह नाल मेरा 35 साल तो वाह है, तो साड़ी दोस्ती जिहड़ी निरंतर निभदी आ रही है। मैनू याद है कि जदों 1985 दे विच मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले सी, तां उदों बलदेव सिंह नाल राबता बनिया सी, ते मैं जिहड़ा हैगा बलदेव सिंह ते एमफिल दा काम करना चाहुंदा सी, पर डॉक्टर रविंदर सिंह रवि चाहुंदे सीगे कि बलदेव सिंह ते काम ना कीता जावे, पर मेरा गाइड जिहड़ा हैगा डॉक्टर जसविंदर सिंह सी, जिस करके मैं डॉक्टर जसविंदर सिंह नूं बनाउण विच सफल रहा, ते उदों बलदेव सिंह दे ते नावल कहानियां ते मैं काम कीता, अते उस तों बाद निरंतर जिहड़ा हैगा बलदेव सिंह दीआं जिहड़ीआं कहानियां ते नावलां ते जिहड़े हैगा उह कार्ज हुंदे रहे। बलदेव सिंह बारे आम कर कहा जांदा है कोई चूंडी नहीं वढाउंदा, पर इह मेरा अपना तजर्बा, निजी तजर्बा है कि 35 सालां दे विच मैं उसदे अनेकां चूंडियां वढ़ियां हन, पर कदे भी उसने जिहड़ा हैगा उह गिला शिकवा नहीं कीता, ते
मेरे भी वह चूड़िया वढ़ जाता पर साड़ी दोस्ती दे विच जिहड़ा हैगा कोई फर्क नहीं पिया। मैं कल्ला उसका दोस्त नहीं है पर जदों मैं उसकी आलोचना करता उसके नावलों पर काम किया उस कहानियों पर काम किया तो मैं जो मैनू उसते चंगे पक्ष ने उन्होंने जां उसते जिहड़े ना पक्षी पक्ष ने उन्होंने बारे जिहड़ा हैगा मैं वह अपने नठ के जिहड़ी हैगी है वह टिप्पणियां दित्तियां ने। सो बलदेव सिंह ने कदे भी इस किस्म का भी गुस्सा नहीं किया कि सुरजीत ने मेरे नावलों पर जिहड़ा हैगा इस किस्म दी टिप्पणियां कीतियां ने। मैं तिखियां टिप्पणियां भी कीतियां ने जिवें पिछले समय दे विच उहदा अफलातू नावल आया जां 21वीं सदी नावल आया उन्हां नावलों ते मैं तिखियां टिप्पणियां कीतियां ने पर बलदेव सिंह ने जिहड़ा हैगा कदे भी इस किस्म का गिला शिकवा मेरे ते नहीं कीता। बलदेव सिंह दे सुभाअ दी मैं एक तुहानूं मिसाल देनी चाहुंदा कि एक बार असीं बहुत सारे लेखक जिहड़ा है कपूरथले एक समागम विच इकट्ठे होए सी उत्थे किसे गल्लों जिहड़ा बलदेव सिंह नाल प्रसिद्ध शायर परमिंदरजीत नाल तल कलामी हुई पर बलदेव सिंह ने एक भी जिहड़ा हैगा ऐसा शब्द नहीं बोलिया जो परमिंदरजीत की शान के खिलाफ होवे पर परमिंदरजीत ने बहुत ज़्यादा जिहड़ी हैगी बलदेव सिंह की बेइज्जती की सी ते सगों मैनू गुस्सा आ रहा सी कि बलदेव सिंह बोलता क्यों नहीं है ते अखीर जिहड़ा हैगा असीं सारे जिहड़े बाकी लेखक सी उन्होंने परमिंदरजीत नूं ते पासे किया बलदेव तो ते इस किस्म का बलदेव का सुभाअ है कि वह कदे भी किसी नाल जिहड़ी हैगी उह लड़ाई दंगा वो करन दे विच विश्वास नहीं रखता। बलदेव सिंह ने मतलब हमेशा ही जिहड़ा हैगा अपनी तर्क दे नाल जिहड़ी हैगी उह काम भी तर्क नाल कीता ते जे किसी नाल इस किस्म की कोई तर्कलामी हुई है तो उसका जिहड़ा तर्क दे नाल ही जवाब दिता हैगा। फिर दोस्तों इस दौरान ही मेरा सड़कनामा भी चलता रहा कहानियां भी चलती रही नाल नाल मेरा कारोबार भी चलता रहा तो 1984 आ गया। उन्नीस सौ चौरासी बारे तुसी सारे पंजाब वाले जानते हो किस तरह का माहौल पंजाब का सी और किस तरह उत्थे जिहड़े पंजाबी से असी वो किस तरह वो डरे हुए सी उस माहौल तो क्योंकि सानू जड़े बंगाली लोग सी जड़े तस्वी बंगाली लोग सी वह सानू जो तो देखते सी तो एक करनान की नज़र न देख लग पे जरा पहला यह जहाँ नहीं सी। उत्थे कोई 100-150 की भूतरी भीड़ सी हत्थां विच कौमी झंडे सन दूसरे ड्राइवरां वांग पहला उन्हें मुख्तियार नूं लुटिया घड़ी नकदी सब कुछ खोलिया फिर उसके वाल कट के मूँह काला कर दिता ते कुटन लग पे लाठियां नाल इट्टां नाल जिसके हाथ जो भी आया जिहड़े कोई छलियां नूं पुड़दा हो मुख्तियार दे मूँह विचों नक्क विचों कन्नां विचों लहू वगन लगा उस विच इन्नी कु हिम्मत बाकी बची सी कि उह रहिण लई हाथ जोड़ सके पर भीड़ चढ़दी रही सी सारा मारी मां को मार के हाथ जोड़ता है ते वो होर कुटन लग पे उसने टुटदे बोलां विच क्या मैनूं कुछ नहीं पता मेरा सब कुछ लै लो मेरा ट्रक भी लै लो हाथ रब दे वास्ते मैनू ना मारो अगले महीने मेरा विआह होना है अभी बनाते हैं तेरी शादी साला ते वो होर कुटन लग पे अंता दी मार नाल वह बेहोश हो गया। उस तो पहला घेरे ट्रकां दे ड्राइवरां नाल भी इहो ही वापर चुकिया सी अध मोए होए बेहोश ड्राइवरां नूं ट्रकां विच सुट दित्ता गया भीड़ ने मुख्तियार नूं चुकिया ते ट्रक विच सुट दित्ता हुण उन्हां ने ट्रकां विचों ही डीजल कढ़िया ते पंजां ट्रकां पर छिड़क दित्ता। एक बार फिर सारे ने ट्रकां विच लद्दिया समान परखिया वरतों विच आउण वाला समान बाहर कढ लिया उन्हां वारी वारी सारे ट्रकां नूं अग ला दित्ती सारिआं रल के नारा लाया जिहड़े कौमी झंडे सरकारी मास्टर उस दिन चुके हुए सन उही झंडे भीड़ दे हत्थां विच लहरा रहे सन वह सारे ड्राइवर हिक ते दीवा बाल के अपनी रोजी कमाउंदे सन वह जाणदे ही नहीं राजनीति की बला है ते बिहारिया हैल्पर रोंदा रोंदा दसन लगा सरदार बाबू जिन गाड़ियों का हम पूजा करता रहा धूपबत्ती लगाता रहा ड्राइवरों को तो हम गुरु मानता रहा वह सब हमारे सामने जिंदा जला दिए गए ते वो जदों भी किसी को भी इस तबाही का जिक्र करता है यूं ही भी रोन लग पैंदा है। जिन्हें उसके अपने
टब्बर के बंदे सड़के मर गए हो। नवंबर 1984 साड़ी बहुत इज्जत सी बंगाल दे विच, बहुत ज़्यादा। पर फिर वो समझते सी लोग जड़े है ये अपना वक्रा राज मंगते है, ये लोग देश के गदार ने। सानू इस तरह की घटना उन्होंने देखने मिली और चंगा भी नहीं लगता सी। कदे कदे मेहने ताने सानू मारने उन्होंने भी तुसी पंजाब च की करी जाने हो, तुसी ये करी जाने हो, उत्ते जाने हो, सानू भी नाल, क्योंकि साडा सरूप देख के जोड़ते सी भी ये सारे इक्को ही ने। और उस तो बाद मेरे माँ बाप ने मैं लिखते सी, खत लिखते सी भी आ जा हूँ, बहुत साल ला ले उत्थे, आपां थोड़ा खा लवेंगे, अपने च ताओ, अपने च रहो, बच्चे लेके आ। ते मैं थोड़ा थोड़ा एकदम तो नहीं कह सकता भी मन बन गया सी, थोड़ा थोड़ा मन मेरा उचाट जरूर होने लग गया सी भी चलो जिन्ना कर लिया उन्ना ही बहुत है। क्योंकि उस वेले 1984 मेरे को अपने को दसां नौहां की मेहनत नाल सच्ची सुची किरत नाल मेरे को चार अपनी टैक्सियां सी, मेरे को सत ट्रक सी अपने, दो ट्रेलर सी मेरे को, और मेरे को इन्ना ट्रांसपोर्ट का कम सी मेरे को, और नाल नाल साहित बच भी जिस तरह मैं जिन्ना भी लिख सकया। मेरिया उदो दो तीन किताबा छप चुकिया सी, कहानियां दो किताबा छप चुकिया सी। ते मैं मन बनाया भी चलो पंजाब विच चल रहे हैं, सब तो पहला बच्चों नूं छड्डिया पंजाब विच भेजिया उन्हां नूं, एक लड़के ने उत्थे दसवीं दा इम्तिहान देना सी मेरे ने, उस नूं मैं रोक लिया क्योंकि उत्थे इम्तिहान बहुत लेट हुंदे आ। मैं क्या घट तो घट सिक्ख्या का जिहड़ा एक पड़ा है वह तो इत्थों ही पूरा कर लवे, दूजे बच्चे पंजाब च मेरे माँ बाप ने दाखिल करवा दिते। तो मैं उत्थे कलकत्ते रहा। यही थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कतल। तो सिखा विरुद्ध सारे मुल्क विच भड़की हुई हिंसा, कलकत्ता भी नहीं सी बचिया। साढ़े जिन्ने कलकत्ते रहिंदे पंजाबी और खास करके सिख, वह गुरुद्वारां विच चले गए सी भी किसी होने वाली घटना तो डरते हुए। पर मैं भावें अपने सारे उस मोहल्ले दे विच कल्ला सिख सी जां सिख कल्ला पंजाबी सी, मैनूं फोन आउंदे रहे कित्थे है, मैं कहना घरे हैं, तू गलती कर रहे हैं, तू मूर्खता कर रहे हैं। अगले दिन फोन आया, असी आके लै जाइए तेनू। शाम नूं फोन आया, मिलटरी जीप लै जाइए तेनू कट के, तू आ जा, गलती ना कर। मैं क्या मैनू अजे तक किसी ने ना कोई धमकी दिती है, ना कोई डराया है। मैं हुण इत्थों निकलूंगा हुण डेढ़ दिन बाद, तो समझणगे मेरे बारे जिन्ना भी, वह गलती समझणगे। कहिंदे पता कुछ नहीं लगता। पर इस तरह ही रात हो गई, 7:30 दो बाद दा टाइम सी, 15-20 बंगाली इकट्ठे होके थले आ गए और उन्होंने बाहर खड़काया। मैं देखिया खिड़की विचों दी, एक बोलिया बुआ खोलो, बच्चे डर गए, रोन लग पे। श्रीमती अकबर आ गई और सच पुछो मैं भी अंदरों पूरा दहल गया सी। मैं कह हुणे जां तां बहुत ज़्यादा कुटमार करके जाणगे जां लुटमार करनगे, हो सकदा भी मार भी जाण। मैं थोड़ा रुकिया, दोबारा बुआ खड़किया, मैं फिर देखिया, वो कहिंदे असीं कहा दादा बुआ खोलो, मेरा घरे पटका बन्निया सी, कहिंदे पगड़ी रख के आओ। वो कहन भी बच्चे कहने जाना नहीं। मैं कहा जाना तो पैना, वो दरवाजा तोड़ के भी आ सकते हैं, 15-20 जाने है। तो दोस्तों जिमें जिमें मैं पौड़ियाँ उतर रहा, मैं फस्ट फ्लोर पर रहा और मैनू इस तरह महसूस हो रहा भी मैं जिमें आने वाली मौत वल एक एक पौड़ी करके स्टैप करके थले उहदे वल वध रहा। और जदों बूहा खोलिया, वो कहिंदे
सरदार जी तुहानू साडे नाल जाना पऊगा, असीं बंगाली पंजाबी भाई भाई दा बाजारां दे विच जुलूस कढ़ना है। ओ देखो वी जिहड़ा बंदा ए सोच के उतरिया वी मैनू एक एक पल नाल मौत नेड़े आ रही है, ते किथे ओ मैनू ओहो उहनां दा जिहड़ा सीगा विहार इन्ना साउ लग्या। मैं कहा एक मिनट में बच्चों आख्या, मैं क्या वह डरे हुए ने? कहिंदे हाँ हाँ दादा प्लीज़ साडी जिम्मेवारी है, असी तैनू दोबारा इत्थे घर छड के जावांगे। और मैं बच्चे नूं कहा मैं आ रहा है। बच्चे फिर भी घबराए हुए सी। मैं कहा भी जे उदों कुछ नहीं होया हुण भी कुछ नहीं हुंदा। और असी तीन चार बाजारां विच गलियां विच दी पूरे दोनों फिरकियां दी सांझ ते नारे ला के और दिखा के, और जदों वापस मुड़दे सी तां एक दो होर भी पंजाबी नाल मेरे रल गए सीगे। तो दोस्तों वह जिहड़ा कांड है जिंदगी वापरिया वो कदे कदे बहुत जनी इन्ना महसूस होंदा है वह मैनू भुलदा ही नहीं हैगा। तो दिल्ली विच तां बहुत कुछ होया, दुकाना साड़तियां, ज्यौंदे साड़ते, गलां च टायर पा के साड़ते, पर कलकत्ता इस गल तों बचिया रहा। और मैं समझदा भी बंगाली लोगों ने खास करके उस वेले दे मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने इन्ना वधिया प्रबंध किया होया सी भी सिखां दा किधरे भी नुकसान जिहड़ा है कलकत्ते विच नहीं होया सी। दोस्तों पंजाब आके एक बार फिर जिंदगी मुड़ तो शुरू करनी पई। उत्थे मैं सोच के आया सी कि ट्रांसपोर्ट का कम नहीं करना, पंजाब जाके होर कोई कम करांगे। तो होर कम करने लई मैं इत्थे कलकत्ता प्रिंटिंग प्रेस लाई मोगे, सोचा भी किताबां भी अपनी छापिया करांगे, दूसरों दी किताबां भी छापिया करांगे, पब्लीकेशन बनाऊंगा, नाल नाल जॉब वर्क भी करांगे। उदों ट्रेडल मशीनां होंदियां सी, असीं एक एक अक्षर जोड़ना पैंदा सीगा। उदों कंप्यूटर इस तरह का नहीं आया सी, इस तरह की कोई जिहड़ी है जिस तरह की बाद च क्रांति आई एक किस्म की प्रिंटिंग दे खेत्र विच नहीं उदों सी। उदों ट्रेडल मशीनां होंदियां सी, हाथ नाल मशीन चलाउणी पैंदी सी, वो सारा कुछ सीगा। पर इत्थे किसी तरह भी ठीक नहीं लग रहा, कारोबार पैर नहीं सी जम्मे, तो मैनूं फिर ट्रांसपोर्ट वाले इत्थे भी आउणा पिया। पहला थ्री व्हीलर टैंपू जिन्हों पूंड कहें वह बनाए, इतने आप आके चलाया। कई वीर एक मेरी कलकत्ते दा दोस्त आ गया, वह कहिंदा यार तू इत्थे आके सत्त साल ट्रकां दा मालक ते इत्थे आके टैंपू चलाउण लग गया। मैं कहा किरत तां किरत ही हुंदी भरावा, कम तां करना ही है। तो इस करके मैं कदे भी कम तों नहीं सी भजिया, कदे भी इत्थे आके कुछ महीने चलाया। फिर इन्होंने कहा भी जिहड़े 84 विच इधरों उधरों आए ने, कितों भी, चाहे बॉम्बे तों, कानपुर तों, कलकत्ते तों, बाहरों, वो अपने कार्ड बनाओ लाल कार्ड। तो मैनू उस लाल कार्ड के आधार पर मिनी बस का परमिट मिल गया। मैं बस वाल आया एक तो दो तीन, और इस तरह मेरे को पार्टनरशिप के चार बसा असी रल के दो जने ने बना लिया। बलदेव सिंह पंजाबी का एक सिदकी सिरड़ी लेखक है, कोई 42-43 साल पहला की गल है। मोगे तो कलकत्ते जाता होया, राह विच दिल्ली उतरिया तो मैनू मेरे दफ्तर मिलन आया। उस समय इन्हें अपना पहला कहानी संग्रह गिलियां छिटियां दी अग मैनू दिता। उस समय तो ये रचना कार्ज उत्ते मेरी लगातार नज़र रही है और मैं यदि लगभग हर रचना पढ़ता रहा। बलदेव सिंह का एक नाम नहीं है, बलदेव सिंह के बहुत सारे नाम ने। बलदेव सिंह सड़कनावा, बलदेव सिंह मोगे वाला, बलदेव सिंह लाल बत्ती, बलदेव सिंह अन्नदाता, इस तरह होर भी जिहड़ा भी कोई उसका नवा नावल छपदा है उदों बलदेव दा उहदे नाल नाम जुड़ जाता। सो इस करके बलदेव सिंह एक प्रतिभावान ते बहुत ही प्रतिबद्ध ते मशहूर पंजाबी नावलकार कहानीकार। इस तों बिना भी उसने बहुत सारिया होर रचनावां भी रचियां, जिवें सफरनामा साहित दे विच भी उसका योगदान है, नाटक खेत्र विच भी उसने काफ़ी नाटक जिहड़े हैगे रचे ने। बलदेव सिंह पंजाबी का एक बहुत ही विलक्षण ते बड़ा एक स्थापत नाम है। मैं जदों उसनू एक विलक्षण
साहित्यकार के तौर के उत्ते एडजेक्टिव लाना तो यह बड़ा मैं सुचेत होकर ला रहा। उसका कारण यह है कि वह एको साढ़े को अजिहा साहित्यकार है जिन्हें बहुत सारिया विधावान के उन्हें अपनी रचना की है। अठवें दहाके के उसने पंजाबी साहित्य के प्रवेश किया। उदों उसका एक आर्टिकल छपद हुंदा सी कलकत्ते दी उन्होंने जिंदगी दे विच विचरिया। उत्थों दे जिहड़ा खास करके जिहड़ा साडे ड्राइवरी लोग ने वह जिस तरह की जिंदगी का उत्थे अनुभव करते ने जिस तरह की जिंदगी नूं हंडाउंदे ने जिहदा कई दफा साडे कोल जिहड़ा इमेज है वह बड़ा भैड़ा बनता है पर असीं उन्हां दी अंदरली जो संवेदना है जो उन्हां दी अंदरली स्थिति है उन्हों असीं समझण दी कोशिश नहीं करदे। लिखण दे खेत्र विच इहदा बहुमुखी काम है और यह बड़ी चंगी गल है कि लगभग हर खेत्र विच इन्हें बड़ा निठ के और बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। कहानियां भी लिखिया, नावल भी लिखे, नाटक भी लिखे और लेख भी लिखे। जो ये नाटक लिखता है सिर्फ लिखण तक महदूद नहीं रहिंदा, आम लोगों दी समस्यावां लैके लिखे नाटक ये पिंडां च लैके जांदा है अपनी टोली नाल और उत्थे जाके अपने खर्च ते पेश करके आउंदा है। इसे तरह जिहड़ी ड्राइवरां दा जीवन है ये एक पंजाबी दा बड़ा महत्वपूर्ण पंजाबी लोगों का हिस्सा है। हजारां बल्कि जे लखां भी कह लईए सारी दुनिया च पंजाबी लोग ड्राइवर ने, उन्हां दीआं समस्यावां बारे लगभग ना दे बराबर ही लिखा गया सी। बलदेव सिंह ने इस पक्ष नूं इन्ना उभारिया और सड़कनामा दे नाते इन्ने वधिया लेख उन्हां दे जीवन बारे, उन्हां दीआं मुश्किलां बारे जिहड़े कि आम लोग जानते ही नहीं, उन्हां दे परिवार भी नहीं जानते, वह पेश कीतियां और सड़कनामा दे नां नाल इहदे नां नाल ही जुड़ गईआं। बहुत लोग बलदेव सिंह सड़कनामा ही कहिंदे आ क्योंकि बलदेव सिंह उत्थे उन्हां दे विच विचरदा सी, विचरन करके इन्हें उन्होंने बड़ा नेड़े तो देखिया, उन्होंने गल्लां बातां सुनिया, उन्होंने गल्लां दी रौचकता दे विच उन्हें उन्होंने अवचेतन नूं उन्होंने अंदरले धुरंधर नूं जिहड़ा है देखण दी कोशिश कीती ते उस नूं उसने लेखां दे रूप दे विच नागमणि दे विच प्रकाशित करना शुरू किया। उन्होंने उस नूं अपनी उस नागमणि दे विच स्पेस दित्ती ते उस स्पेस दे विच बलदेव सिंह सड़कनामा के नाम के नाल प्रसिद्ध हो गया। और इसे तरह नावल के खेत्र विच जिहड़े ने पंजाबी शख्सियतां दे उत्ते आधारित नावल लिखे है उन्हां दा बड़ा वड्डा महत्व है, जिवें भाई जैता जी ते है, भगत सिंह बारे है, दुल्ला भट्टी बारे है, महाराजा रणजीत सिंह बारे है। पंजाबी जीवनी आधारित नावल लिखे तो गए है पर इन्ने निठ के और इन्नी खोज करके बहुत घट लिखे गए है। जिहड़े उसने नावल रचे ने, इतिहासक नावल रचे ने, उन्हां बारे एक गल करनी चाहुंदा कि एक बार मैं बलदेव असी डॉक्टर टी आर विनोद नूं बठिंडे मिलन गए तो डॉक्टर टी आर विनोद ने बलदेव सिंह दे नावलां दी शलाघा करदिआं कहा कि यार एक कम करन वाला तेरे जे तू कम कर देवें। तो बलदेव सिंह ने कहा दसो, उन्हें कहा भी तू इतिहासक नावल तैनूं रचने चाहीदे ने क्योंकि तेरे कोल प्रतिभा हैगी है, तेरे कोले जिहड़ी है समर्था भी है ते तेरे कोले रचना रचन की जिहड़ी हैगी शक्ति भी है, इस करके तू सानू जिहड़ा हैगा इतिहासक नावल रच के दे। बलदेव सिंह ने कहा भी नहीं, मेरे बेवसी है, मैं इस किस्म का जिहड़ा हैगा रचना नहीं रच सकता। पर टी आर विनोद ने जो ज़्यादा जोर दिता, मैं भी बलदेव नूं कहा तो बलदेव सिंह ने उदों जिहड़ा है बाबा जीवन सिंह ते नावल रचन लई जिहड़ी हैगी आ अपनी हाँ कही। तो उस तो बाद असी घोलिया कला इकट्ठे होए तो कामरेड सुरजीत गिल ने उस बहुत उत्साहित किया कि तैनू ये नावल जिहड़ा हैगा जरूर रचना चाहिए। तो बलदेव सिंह ने टी आर विनोद दे, कामरेड सुरजीत गिल दे ते मेरे कहण ते ये नावल जिहड़ा हैगा उन्हें रचिया। उस तो बाद उसका जिहड़ा उसने कई जिहड़े इतिहासक नावल रचे हैगे आ जिन्हां विच सूरज की अख बड़ा पापूलर रहा पिछले दिनों च नावल, टावा दिल्ली के किंगरे जिहदे विच उस नूं साहित अकादमी का पुरस्कार मिलिया अते इस तरह शहीद भगत सिंह ते जिहड़ा हैगा सतलुज बहिंदा रहा नावल रचिया है।
तो फिर बंदा बहादुर ते नावल रचे है उसने वो महाबली सूरा अते हुण जिहड़ा बलदेव सिंह दा एक नवा नावल जिहड़ा हैगा वो बस छप के तैयार हैगा वो है शहीद ऊधम सिंह ते उहदा सूरज कदे मरदा नहीं मेरा ख्याल ये नाम रखे उसने अते उसने कई जड़े हैगे नावल जिहड़े हैगे इस किस्म दे रच के अपना जिहड़ा हैगा इतिहास ते इतिहासकारी नावलों के दिती हैगी है। इतिहासक नावल भी लिखे खास करके जिहड़ा पंजवां साहिबजादा सी गुरु साहब के बारे खास जिहड़ा उन्हां दा अनन भगत सी गुरु साहब का उन्हां दे बारे दे विच भाई जैता दे जीवन आधार बना के लिखे बड़ा खूबसूरत नावल है उन्हां दा सतलुज बहिंदा रहा दे विच साडे शहीद आजम भगत सिंह जी उन्हां दा जीवन जिहड़ा है वह एडा मतलब जदों तुसीं उह नावल नूं पढ़दे हो साडे सामने एक ऐसा बिंब भगत सिंह जी का साडे सामने आ रहा उन्हां दे बचपन तो लैके उहदे शहीद होण तक असीं हैरान हो जाने हां असीं उन्हां दी जिहड़ी है एक एक गल दे नाल उस दे एक एक जिहड़ा उन्हां दे व्यक्तित्व दे जिहड़े गुण ने उन्हां नाल असीं जुड़दे चले जाने हां ते उह जिहड़ा मैनूं लगदा कि पंजाबी दे विच क्योंकि एडा महान विशा सी साडे कोल किसे नावलकार ने उस विषय नूं कंसीव नहीं कीता ना परसीव कीता ते ऐस व्यापक पद्धर दे उत्ते एक महा मतलब जिहनूं असीं कह सकदे हां एक नावल दे पद्धर दे उत्ते उन्हां ने इस नूं उस नावल दे विच मुड़ के सजीव करता उहदे विचों बहुत सारियां ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां खास करके क्योंकि साडे कोल जो भगत सिंह जी दा जो एक बिंब आ रहा वह सारे का सारा एक उन्हां दा एक पोलीटिकल जिहड़ा साडे कोल कारकुन है उहदे रूप दे विच ही आ रहा है उन्हां दी विचारधारा दे ही आ रहा है पर उन्हां विच जिस तरह का बचपन सी जिस तरह की उन्हां विच मनुखता सी जिस तरह की उन्हां दी भाव संवेदना सी ये साडे कोल नहीं सी आ रही वो सारे की सारी इस नावल दे विच आई है इस तरह उन्हां दा हां दिल्ली दे की मेरे महाबली सूरा जी दे काफ़ी वाद विवाद भी होया इस तरह जिहड़े नावल ने उन्होंने लिखे ने मैनूं लगता कि पंजाबी दे विच ये बहुत ही साडी इक अच्छी प्राप्ति है। तो इस तरह इहदा गल्प दे खेत्र विच होवे या नाटक दे खेत्र विच होवे या लेखां दे खेत्र विच जिहड़ा काम है वह हर पक्ष तो कदरयोग काम है। जे मैनूं इह पुछिया जावे कि मैनूं इहदी सब तो चंगी रचना केड़ी लगती है मैं बिना किसी झिझक तो इहदे नावल अन्नदाता दा नां लावांगा। वह नावल है जिहड़ा वह सिर्फ बलदेव सिंह ही लिख सकदा सी जिहड़ा कि बरीक अख नाल अपने आले दुआले दे पिंडां नूं देख रहा सी उहदे विच किसानी जीवन की जिहड़ी हुण टुट भज हो रही है उहनूं जिन्नी सफलता नाल इहने पेश कीता है वह पंजाबी च लिखदे ही जे उहनूं क्लासिक नावल भी कह दिता जाए तो इस गल विच कोई संकोच नहीं। मेरियां शुभ इच्छावां ने कि इसे तरह लगातार लिखता रहे। तो बलदेव सिंह ने बहुत सारे साहित रचिया है जिहदे विच उहने कहानी जिवें पहले दस्सिया वी कहानियां भी रचियां ने उहदे विच उहने जिहड़ा हैगा सफरनामा साहित भी रचिया नाटक भी रचिया नावल नावलों दे विच उसने बहुत जिहड़ा हैगा वड्डा प्राप्ति कीती है। सब तो पहला नावल जिहड़ा हैगा उसका दूसरा हीरो शीमा सी दूसरा हीरा शीमा तो बाद जिहड़ा हैगा उसने निरंतर जिहड़ा हैगा अज तक वह नावल वह रचता आया तो जिहड़े नावल उसने रचे ने उन्हां दी लिस्ट बड़ी लंबी हैगी है जे बहुते मशहूर नावल उसते जिवें दूसरा हीरा शीमा तो कलरी धरती है वह बड़ा पापूलर नावल रहा उसका फिर वह अन्नदाता लाल बत्ती अन्नदाता दो भाग ने अते बलदेव सिंह ने इस तो बिना होर नावल भी रचे ने जिवें 21वीं सदी की मैं गल की है अफलातू की गल की है मैं अते हुण एक बलदेव सिंह राजनीति ते नावल जिहड़ा हैगा साडी जिहड़ी हिंदुस्तान की राजनीति है उहदे विच किस किस्म की जिहड़े बदलाव आए ने ते किस किस्म की जिहड़ी साडी गंदी राजनीति है उस ते उह उहने नावल फोकस कीता तो मैनूं उम्मीद है कि वह नावल जिहड़ा है कुछ दिनां बाद आ जाएगा। असल दे विच जिहड़ा साहित्यकार हुंदा है वह जिथे संवेदनशील हुंदा है उत्थे उसकी चेतना दीआं जिहड़ीआं डूंघाईआं ने वह भी बहुत डूंघीआं हुंदीआं ने वह इन्हां दोनों के समेल दे नाल मनुखी जिंदगी उहदी व्यापकता दे विच दिखण दी समर्थ हुंदा है पर इहदे लई उहदा अपना अध्ययन भी होना चाहीदा है इहदे लई उसने अपनी कोई खोज भी की होनी चाहीदी है क्योंकि ज्ञान जिहड़ा है वह सिर्फ ते सिर्फ अनुभव नाल नहीं आउंदा अध्ययन दे नाल भी आउंदा है वह डायलॉग दे नाल भी आउंदा संवाद दे नाल भी आउंदा है त
ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸਨੂੰ, ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਨਾਟਕ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ, ਕਲਰੀ ਧਰਤੀ, ਸੂਰੀ ਤੰਗੇ ਪਹਿਰੇ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਨਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1986 ਤੱਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਨਾਵਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਖਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਜਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਛੂਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਚਾਹੇ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਅਣਖੀ ਹੋਣੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਂਡੂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਬ ਹੈ, ਯਥਾਰਥਕ ਬਿੰਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਵਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਵਲ ਲਿਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਾਵਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣਾਤਮਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਫਤੀ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਲਦੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਖੂਬੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕਲਾ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲ ਰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਵਲ ਹੈਗਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਲਾ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੌਤਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਲਿਖਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨਾਵਲ ਜਦੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਛੂਹਿਆ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਲੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੇਸਭਾਚਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੋਮੈਂਟਿਕ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਸੀ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਮਾਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਚੌਕਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।